ये मेरी पिक्चर है जब मैं प्रेप में था और करीब 4 या 5 साल कर रहा हूँ। शॉपकीपर पहले लड़कियों के कपड़े दिखाता था तो उनको पता नहीं होता था कि मैं लड़का हूँ। बाल छोटे छोटे सब कुछ हुआ है लेकिन वो सोचता था कि मैं लड़की हूँ। तो बोलता था अच्छा अच्छा ये लड़का है, तो लड़का जैसा लगता ही नहीं है। और उस वक्त भी कई बार मैं सोचता था कि लड़का जैसा लगना और लड़की जैसे लगने में क्या अंतर होता है। When I talk to my friends, most of them say like, you know, they really miss school days. But मैं अपनी स्कूल को इतना मिस नहीं कर रहा, बिकॉज शायद मेरा जो चाइल्डहुड था, स्पेशली माय इनिशियल डेज इन स्कूल, लाइक वर नॉट रियली प्लेजेंट। मेरे फ्रेंड्स कभी कभी बोलते थे तू तो लड़कों जैसा तो दिखता नहीं है, तू लड़का जैसा बन, थोड़ा बॉडी वॉडी बना, थोड़ा जिम विम जाया कर, ये क्या है दुबला पतला सा। या अपने घर जाता था तो सब बोलते थे कि हाइट बढ़ाने से क्या होगा, बॉडी बनाओ तब जाके तुम्हें आगे कुछ सहारा मिलेगा। I always had to face situations in which people were commenting on the way I used to walk or my, because I never had a muscular body, like I never did. धीरे धीरे मैं भी बहुत कॉन्शियस होने लग गया कि मैं इतना सॉफ्ट हूँ और मैंने लोगों को अपने को छूने ही नहीं। पहले जब छोटा था तो बहुत गुस्सा आता था यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बोल देता था कि मैडम आपको लग रहा है, पर या क्या कहेंगे, एक तरह से समय ने बर्दाश्त करने की ताकत दे दी। लोगों को एक तो हैरानी बहुत होती थी, अगर किसी एक को पता चलता कि इतनी सॉफ्ट स्किन है तो 3-4 को और बुलाएगा कि छूकर देखो इतनी सॉफ्ट क्यों है। कुछ लोग ये कहते थे कुछ करते क्यों नहीं हो, मुझे समझ नहीं आया कि स्किन सॉफ्ट थी तो उसमें करने वाली क्या बात है। काफी सलाह दिया करते थे, सुबह उठ के चने खाया कर, ये दूध पिया कर, इसके साथ देखना 2 दिन में हेल्थ बन जाएगी तेरी। मुझे तो काफी लोगों ने ऐसे टिप्स दिए हैं, ये पी ले वो कर ले। तो या बोलने के लिए बोलते थे ऐसे कि आवाज को थोड़ा और भारी भरकम बना। भारी भरकम बनाना क्या होता है, मैं पता नहीं क्या क्या तो चीजें करता, जामुन खाता, करेले का जूस पीता वगैरह वगैरह आवाज मोटी करने के लिए। हो सकता है कभी कभी मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता था। मुझे हमेशा लगता है कि अगर शायद वो कमेंट्स ना मारे गए होते मुझ पर तो आज मैं अलग होता, मुझे नहीं पता मैं कैसा होता, पर अलग होता मैं यकीन से। शायद हाँ अपनी बॉडी बदलना चाहूँगा शायद, लेकिन मुझे कोई मस्कुलर बॉडी नहीं चाहिए। बस इतना कि लोग बोलना बंद कर दें, वो भी शायद इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं। हाय, मेरा नाम है नमित सिंह। विश हो बदलने की, खुद में या लोगों में? मेरा नाम सुनील शर्मा है। लगता था ये भी है, हम अपना नया चलन चलाएंगे। मेरा नाम ताशा जायसवाल है। मुझे लगता है मेरी डिफिकल्टी थी मेरे क्लासमेट से बहुत, जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ स्कूल में जब बहुत छोटा था, उनसे बहुत अच्छी है, क्योंकि डेफिनेटली को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप डेफिनेटली को प्यार करते हैं, नहीं भी करते तो भी डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, ठीक है? डेफिनेटली डेफिनेटली। हेलो बोलो, हेलो बोलो।